आखिरकार वे गरीब हैं जो रोजी रोटी की तलाश में रोड पे अपनी दुकानें लगाते हैं। हम लोग सर बताइए गरीब आदमी कहाँ जाया जाए, पुलिस वाले आ रहे हैं उठा कर लेके चले जा रहे हैं चौकी पे, 4,000-5,000 रुपया हम लोग को लग रहा है, गरीब आदमी कहाँ पाएंगे। हटाइए, हटाने की कोई इशू नहीं है, आप एक आदमी को स्थायी जगह दे दीजिए कि जहाँ वो अपना खोल कर धंधा पानी कर सके। 3 महीने तक दुकान नहीं लगेगी, अब 3 महीने क्या बैंक वाले किस्त नहीं काटेंगे? हम लोग लोन लिए 50,000 रुपए तक लिए, 50,000 रुपए की जो लोन आ रही है उसका हम लोग जो कट रहा है महीने का, हर महीने पैसा कहाँ से कटेगा? अधिकारी आएंगे तो अधिकारी यही स्वयं बात करते हैं ऊपर से आदेश है। अब ऊपर से आदेश किसका है अब ये नहीं बताते हैं किसका आदेश है। हम कह रहा हूँ अगर 3 दिन का है तो हम 1 हफ्ते के लिए हम लोग तैयार हैं कि 1 हफ्ते के लिए दुकान बंद कर देंगे, जितना भी सहयोग हो सकता है हम लोग खड़े होकर सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग ये कहिए 3 महीना बंद करने के लिए 3 महीना हम लोग नहीं बंद कर सकते हैं। मैडम कहती है कि एकदम इधर ठेला ही नहीं लगेगा, बताइए 20-25 साल से हम लोग इधर ठेला लगा रहे हैं, 25 साल से लगा रहे हैं, आज हटा दीजिएगा एक बैग जो कि गरीब आदमी तो मर जाएंगे। महीना सब खाने पीने बिना मरेगा, ये ठेले पटरी वाले को हमेशा भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, मार रहे हैं, बताइए वोट लेने के हैं तो सबको घर घर लेकर अपने बैठ जा रहे हैं घर में, कैसे कैसे हम अपना जीविका चला रहे हैं, कैसे कैसे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उनको तो बच्चे अधिकारी हैं, उनको बच्चे हर जगह पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए, अच्छे अच्छे खाना चाहिए, हम सब फुटपाथ लोगों को किस लिए अपना कहाँ जीविका चलाएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष यूट्यूब चैनल। मोदी जी कहते हैं गरीबी हटाओ, लेकिन यहाँ तो गरीब को ही उजाड़ दिया जा रहा है, वो भी उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में जहाँ वोटर हैं। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि सोनकर समाज झूम के भाजपा को वोट करता है, ये ठेला पटरी वाले जो सब्जी और फल जो बेच रहे हैं कचहरी के पास, इनकी व्यथा कौन सुनेगा। 3 महीने का फरमान आया है, तुगलकी फरमान, कि आप दुकान नहीं लगाएंगे। ये लोग लोन लेके अपना कारोबार कर रहे हैं, लेकिन 3 महीना अब दुकान नहीं लगेगा तो किराया कहाँ से भरेंगे, किस्त कहाँ से देंगे, इनका परिवार क्या करेगा, खाएगा क्या, कौन पूछने वाला है। अरे साहब, गरीब तो मरने के लिए पैदा ही हुआ है, गरीब का कोई जीवन थोड़ी ना होता है, वो तो कीड़े मकोड़ों की तरह जीते हैं, वो पैदा होते हैं इसलिए कि कीड़े मकोड़ों की तरह रेंग रेंग के रगड़ रगड़ के मर सके। आखिर G20 के नाम पर गरीबों के साथ ये अन्याय क्यों किया जा रहा है, कौन बोलेगा इस पर? सुनते हैं ना मंच से, भाइयों बहनों गरीबी हटनी चाहिए कि नहीं, गरीबी हटनी चाहिए कि नहीं, जो स्वरोजगार कर रहे हैं उन्हीं को उजाड़ दिया जा रहा है, तो गरीबी हटेगी कि गरीबी बढ़ेगी? वार न्याय की परिभाषा, मतलब अमीरों के लिए अलग कानून, गरीबों के लिए अलग कानून, ये परंपरा अनादि काल से चला रहा है। अभिजात वर्ग पहले भी खुश था, आज भी खुश है, और निम्न वर्ग पहले भी दुखी था, आज भी दुख है। आजाद भारत में आज भी जो समाज का अंतिम तबका है वो अपने जीने और खाने के लिए ही परेशान है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो G20 के नाम पर लूटमार तो अलग मची हुई है, लेकिन ये गरीब आदमी को चलान हो जाना, फिर चौकी बजाना, फिर पैसा देना, तेहरा मार पड़ रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं सुनने वाला है। यही नहीं, जहां जहां भी G20 हुआ है वहां वहां ठेला खुमचा वालों का जीवन जो है कैसे चला है महीना दो महीना, ये तो उनके अंतरात्मा से पूछिए। मिला जुला कर सिर्फ यही कहना है कि गरीबों का कोई न जीवन होता है न उनका कोई सपना होता है, उनको जो जितना दबा सके सब दबाता है। आम आदमी की बात छोड़िए, जिला प्रशासन के लोग, जो सरकारी अधिकारी बैठते हैं, जो न्याय देने के लिए बैठे हैं, वो खुलेआम अन्याय को बढ़ावा दे रहे हैं, एकदम सनकपन, तानाशाही, तो खून, मतलब ब्यूरोक्रेट्स के कहिए तो ब्यूरोक्रेट्स की कोई संवेदना ही नहीं होती, वो सिर्फ पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं, गरीब उनके लिए कीड़ा मकोड़ा पहले भी थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ठेला खुमचा वालों की व्यथा पर मनीष कुमार ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, उसको आप देखें। संघर्ष, इस वक्त मैं कचहरी पे पहुंचा हूं, आप देख सकते हैं कि यहां पे कचहरी है, यही मुख्यालय है, और जस्ट हम सामने पहुंचे हैं JP मेहता नगर निगम इंटर कॉलेज वाराणसी। यहाँ पे ठेला रेहड़ी पटरी वालों का आरोप है कि इन्हें ज़बरदस्ती यहाँ से हटाया जा रहा है। आखिरकार वे गरीब हैं जो रोजी रोटी की तलाश में रोड पे अपनी दुकानें लगाते हैं, इस दुकान से इनका जीवन यापन चलता है, ये गरीब हैं ठेला पटरी यहाँ पे लगाते हैं, नगर निगम के अधिकारी आते हैं, पुलिस बल के साथ आते हैं, तो किसी का चालान काटते हैं, तो किसी का ठेला उठा ले जाते हैं, तो किसी को धमकी दिया जाता है।
अभी यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बता रहे हैं कि काफ़ी समस्या होता है कि हम गरीब हैं आखिरकार जाए कहाँ। सबसे बड़ी समस्या है कि इनके लिए वेंडिंग जोन बनाया गया था, वो भी निर्धारित नगर निगम के अधिकारी नहीं करा पाए। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार सोनकर सर। सूरज जी, ये बताइए कि नगर निगम वाले इधर आ रहे हैं, लगातार हटा दे रहे हैं आप लोग को, तो क्या कहा जा रहा है आपको? हम लोग सर बताइए, गरीब आदमी कहाँ जाया जाए। इतना दुकान पे वहाँ पे लग रही थी रमाश्री वाटिका के पास, ठीक है, वहाँ से हटा करके भेज रहे हैं सेंटर जेल। सेंटर जेल पे कोई मतलब उधर बिक्री नहीं है भैया, भी उधर दुकानदारी नहीं होगा, सामान खराब होगा। और इधर है थोड़ा सा, इधर भी लगा रहे हैं तो इधर भी लगाने के लिए इनकार कर रहे हैं। पुलिस वाले आ रहे हैं, उठा कर लेके चले जा रहे हैं चौकी पे। 4,000-5,000 रुपया हम लोग को लग रहा है, गरीब आदमी कहाँ पाएंगे? 4,000-5,000 रुपया कौन ले रहा है? चालान तो इतना तो है नहीं। चालान उठा कर लेके जा रहे हैं, उठा कर लेके जा रहे हैं तो फिर मुकदमा कर दे रहे हैं, तो उनको जमानत कराना पड़ जा रहा है। अब जमानत कराएंगे तो उसमें पैसा लगेगा। पुलिस तो, वाले भी पैसा मांग रहे होंगे? नहीं, पुलिस वाले पैसा नहीं मांगते। अच्छा। वो तो सर लगता है। क्या नाम है आपका? नथुलाल। कहाँ लगती है आपकी दुकान? यही लगता है, बगल में। क्या दिक्कत है आपको? दुकान लगने नहीं दे रहे हैं। तो लगने दे नहीं दे रहे हैं तो अधिकारियों से आप पूछते नहीं कि हम कहाँ लगाएं? क्या गरीबों को जीने का अधिकार नहीं है? अब उनका अधिकारी कुछ बताते ही नहीं, सीधे कह रहे सेंटर जेल को लेके जाओ। केवल हटाइए, हटाने की कोई इशू नहीं है। आप एक आदमी को स्थायी जगह दे दीजिए कि जहाँ वो अपना खोल कर धंधा पानी कर सके, बस यही दिक्कत है और बाकी कोई इशू नहीं है। मेरा नाम कृष्ण कुमार सोनकर है। कहाँ पे आपकी दुकान लगती है? मेरा दुकान ये लगा हुआ है। तो यहाँ पे तो पुलिस अधिकारी आएंगे, नगर निगम के अधिकारी आएंगे तो हटा दिया जाएगा। हम हमारी बस एक यही है रिक्वेस्ट है कि एक स्थायी जगह दे दीजिए, जहाँ जगह हम लोग को मिला था कर रहे थे। मान लीजिए आज काम हो रही है, अच्छी बात है, सुंदरकरण हो गया, वो भी अच्छी बात है। बस मुझे एक यही रिक्वेस्ट है कि बस मुझे अस्थाई बस जगह दे दीजिए। गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, 500-1,000 रुपया रोज कमाने वाले हैं और ये फुटपाथ पर इनकी दुकानें लगी हुई हैं, फुटपाथ पर इनकी ज़िंदगी है। पूरी बनारस जाम से परेशान है, हर एक आदमी जाम से परेशान है, लेकिन जाम का निवारण नहीं होता है। ये VIP रोड है, देख लीजिए कितनी चौड़ी रोड है, ये इतनी चौड़ी रोड है और कहा जाता है कि रोड पर जाम लग जाएगा। ये इसलिए नहीं हटाया जा रहा कि जाम लग रहा है, बल्कि इसलिए हटाया जा रहा है कि VIP रोड है और उनको हटाया जा रहा है जो गरीब है, ठेला पटरी वाले हैं। क्या नाम है आपका? कमलेश जायसवाल। कमलेश जायसवाल जी, बताइए कि क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत यही है कि यहाँ से सारे दुकानें हटवा दिया गया है। एक तो सबसे पहली बात तो हम लोग को PM स्वनिधि से हम लोग जॉइनिंग है, मतलब हम लोग लोन भी लिए हैं PM स्वनिधि से। अभी पहले 10 मिला, 10 से 20 मिला, 20 से 50,000 रुपये तक मिला है हम लोग को। बताइए 3 महीना तक वो बोल रहे हैं कि 3 महीने तक दुकान नहीं लगेगी। अब 3 महीने क्या बैंक वाले किस्त नहीं काटेंगे? 3 महीने हम लोग कहाँ से भरेंगे? हम लोग लोन लिए हैं 50,000 रुपये तक लिए हैं, 50,000 रुपये का जो लोन आ रही है उसका हम लोग जो कट रहा है महीने का, हर महीने पैसा कहाँ से कटेगा? जो आप मीडिया में बताने कभी अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया आप लोगों ने? अधिकारी आएंगे तो अधिकारी यही से स्वयं बात करते हैं कि ऊपर से आदेश है। अब ऊपर से आदेश किसका है अब ये नहीं बताते हैं किसका आदेश है। कोरोना काल में जब देश आर्थिक व्यवस्था से आर्थिक रूप से कराह रहा था तो प्रधानमंत्री ने 10,000 रुपये ठेला पटरी रेहड़ी गरीबों को देने का निर्णय लिया था और दिया गया था। आप लोग को मिला था? मिला था। उसके बाद इन लोगों ने व्यापार किया, आज 50,000 तक भी दिया जा रहा है इनको सरकार की तरफ से, लेकिन 3 महीने अगर दुकान नहीं लगेगी तो फिर कैसे भरा जाएगा? जो अधिकारी आते हैं तो आप लोग का कुछ लोग बता रहे थे आपका चालान कटा है, आपके यहाँ नाला हो गया, छेदा हो गया। अच्छा, चालान भी हुआ है अभी तो, परसों चालान हुआ है। हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर G20 सम्मेलन लगा हुआ है, सब जितने पटरी दुकानदार हैं सब सहयोग करने के लिए तैयार हैं, सब जितने हैं। हम कह रहा हूं कि अगर 3 दिन का है तो हम 1 हफ्ते के लिए हम लोग तैयार हैं कि 1 हफ्ते के लिए दुकान बंद कर देंगे। जितना भी सहयोग हो सकता है हम लोग खड़े होकर सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग के ये कहिए कि 3 महीना बंद करने के लिए 3 महीना हम लोग नहीं बंद कर सकते हैं। कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। बैंक वाले मैडम कहती हैं कि एकदम इधर ठेला ही नहीं लगेगा। बताइए 20-25 साल से हम लोग इधर ठेला लगा रहे हैं, 25 साल से लगा रहे हैं, आज हटा दीजिएगा एक बैग जो कि गरीब आदमी तो मर जाएंगे, खेले खेले बिना एकदम बेहाल हो जाएंगे। इनको हटाने का 2 मुख्य कारण है, मैं आपको बता दूं। पहला VIP रोड है, नेताओं को गरीब नहीं दिखना चाहिए लेकिन गरीब का वोट मिलना चाहिए। ये VIP रोड है, यहाँ पे गरीब नहीं दिखना चाहिए लेकिन वोट गरीब ही देंगे और चुनाव जीतेंगे और सत्ता में बैठ कर हुकूमत करेंगे और इन्हीं का वोट पाकर इन्हें ही पटरी से हटा दिया जाएगा। ये स्थिति है हमारे बनारस की, पूरी बनारस जाम से परेशान है। अर्दली बाजार पुलिस लाइन से लेके अर्दली बाजार चौराहे तक पूरा
लोग जाम से कराहते हैं लेकिन वहाँ पे अधिकारी नहीं आते हैं। पता है क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो वीआईपी रोड नहीं है, वो अधिकारी वहाँ से नहीं गुजरते हैं, मंत्री वहाँ से नहीं जाते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वहाँ से दौरा करने नहीं जाते हैं। शहर की दौरा करने तो इस रोड से जाते हैं। अब इनके सवालों का जवाब तो अधिकारी दे सकते हैं, मंत्री दे सकते हैं और सरकार दे सकती है। हमारा काम है प्रमुखता के साथ खबर चलाना। मैं प्रमुखता के साथ अपनी ईमानदारी इतनी ईमानदारी के साथ निभा रहा हूँ कि खबर चला रहा हूँ और शायद इनका भला हो सके इसके लिए मैं अधिकारियों से भी बात करने का प्रयास करूँगा। जिस तरह से G20 को लेकर मैंने अधिकारियों से मिलने का प्रयास किया लेकिन अधिकारी गायब हैं। इनको हटाने के लिए अधिकारी फील्ड में निकले हुए हैं। आखिर JP मेहता नगर निगम इंटर कॉलेज के सामने प्रवर्तन दल नगर निगम वाराणसी वाले यहाँ पे जितने ठेला हैं आप देख सकते हैं कि लेके जा रहे हैं उठा के। पता किस लिए लेके जा रहे हैं? क्योंकि ये मजदूर हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, यहाँ पे अपने गरीबी के लिए जीवन यापन के लिए यहाँ पे दुकान लगाया करते थे, इन्हें हटाया जा रहा है, अतिक्रमण को देखते हुए हटाया जा रहा है। पहले यहाँ के लोगों से बात करें, किसका किसका ठेला है? ले गए हैं इसी जगह G20 के बाद लगाने के कह रहे हैं, तो क्या करें हम लोग, क्या करें? गरीब आदमी मरे 2 महीना 3 महीना। नाम है आपका? आभा देवी है। G20 के बाद यही पे लगाने दिया जाएगा? नहीं, उधर लगाने के कहे हैं मगर आज हमारे लोग को ठेला उठवा लिया। मेरा सर सोनी कुमार नाम है। क्या दिक्कत है बताइए, क्यों ले जा रहा आप लोग? दुकान नहीं लगाने दिया जा रहा है G20 के पर्पज से, खाली करेंगे G20 खत्म होगा तब दुकान लगेगा। अब लगेगा कि नहीं लगेगा? G20 जब खत्म हो जाएगा तो आपकी दुकानें लगेंगी, तो लगेंगी कहाँ, ये तो बताया गया? हम लोगों को दुकान हटाने से पहले जगह भी नहीं दिया गया, पहले दुकान हट गई है। आप यहाँ से हटाने की जगह आपका ठेला लद के जा रहा है यहाँ से? अब तक क्या किया जाए, बात किया जा रहा है, बात में हम लोग मान ही नहीं रहे हैं। नहीं, G20 बात होगा, जो बात होगा G20 बात। अब बताइए 4 महीने हम लोग खाएंगे क्या, पियेंगे क्या, रहेंगे क्या, परिवार चलेगा कैसे? अच्छा बताइए कि जो प्रधानमंत्री ने 10,000 रुपया कोरोना काल में आप लोग को दिया था? नहीं, दिया था ना आपको रोजगार करने के लिए। तो उस वक्त ये लोग नहीं आए थे? कोई नहीं आया था। मतलब आज आप क्या कहना चाहेंगे, आपका ले जा रहा है सर? हम लोग क्या कह बताए, इसमें हम संदीप सिंह बोल रहे हैं और हम इन लोगों की तरफ से जो है प्रमोटेड है, इन लोगों को सहायता करने के लिए रुके हैं। इसमें देखिए लोग, मंशा क्या है कि JP मेहता नगर निगम इंटर कॉलेज से लेकर के केवल रामेश्वर वाटिका तक, जो कि लोग बोल रहे हैं कि G20 का क्षेत्र है, जबकि हमारे नॉलेज में ये है, यहाँ तक कि सारे बनारस वासियों के नॉलेज में ये है कि G20 केवल JP मेहता से लेकर के और रामेश्वर वाटिका तक चिन्हित नहीं है, ये और भी जगह चिन्हित है। लेकिन यहाँ केवल इन्हीं दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है, यहाँ केवल इन्हीं दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है और दुकान लगने नहीं दिया जा रहा है। और आप कचहरी देख ले में, सर्किट हाउस होते हुए पांडेपुर होते हुए कैंटोनमेंट होते हुए सारे जगह G20 चिन्हित है, लेकिन केवल यही एरिया लोग स्पॉट बनाए हुए हैं। अभी देखिए यहाँ पे सहायक नगर आयुक्त मैम बताइए कि क्यों ले जा रही हैं, क्या कह के ले जा रही हैं, आखिरकार यहाँ से क्यों हटाया जा रहा है ठेला? यह क्षेत्र जो है अधिकृत वेंडिंग जोन नहीं है, ये नो वेंडिंग जोन का एरिया है। शहर में नगर निगम द्वारा कई सारे वेंडिंग जोन अधिकृत किए गए हैं, पहले भी कई बार समझाया जा चुका है, निरंतर मार्च के महीने समझाया जा रहा है कि इस क्षेत्र में यहाँ वेंडिंग जोन नहीं है, यहाँ नहीं लगेंगे ठेले, यहाँ पे और भी सुंदरीकरण का कार्य होना है। उसी क्रम में कई बार समझाने के बावजूद जब कमिश्नर साहब द्वारा सभी लोग द्वारा इस बात को लेकर बहुत नाराजगी व्यक्त की गई, तब पुलिस की टीम को निर्देशित किया गया और हमें निर्देशित किया गया। आप मैम यहाँ आज हटाई नहीं बल्कि इनका ठेला लेके जा रही हैं? कई बार हटा चुके, ये लोग नहीं मानते, निरंतर कई बार नहीं मानते हैं तब आज ठेला हटा। मतलब G20 का एरिया इसलिए हटा दे रही हैं? ये नो वेंडिंग जोन है, G20 तो एक बात है ही, ये नो वेंडिंग जोन है और उसके दृष्टिगत ही हट रहा है। मैम वेंडिंग जो कहीं निर्धारित है बनारस में, कई जगह निर्धारित है, तो आप लोग कभी इनको ले जाके वहाँ पे बसाएं? पूरा इनको बताया गया है कि आप आगे बढ़िए, कई अल्टरनेटिव जगह दिखाए गए हैं, सामने की जगह इन्होंने कही कि वहाँ दिलवा दीजिए, हमने कहा आप BDA के उपाध्यक्ष से भी मिल सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि नगर निगम के अधिकारी जो आप हैं, आपने बोला है कि G20 के बाद लगेगा ठेला यहाँ? हमने बिल्कुल नहीं कहा, हमने कहा ये नो वेंडिंग जोन है, यहाँ ठेला नहीं लगेगा, आप लोग अगल बगल या आगे बढ़ जाइए। मैम आप अतिक्रमण हटा रही हैं, पूरी बनारस जाम से परेशान है, पूरा अरदली बाजार जाम से परेशान है। नहीं है, जाम परिवहन का पॉइंट वहाँ पे तो आपका, लेकिन वहाँ पे अतिक्रमण है। मेरा जोन वरुणा पार जोन है, जोन में जितने भी जगह अतिक्रमण है मैं हटवा रही हूँ। लेकिन अरदली बाजार आपके जोन में नहीं आता है? बिल्कुल है, अरदली बाजार में भी कई बार हटाया है, निरंतर क्रमिक रूप से हमेशा हटता है, सारनाथ हो, अरदली बाजार हो, कैंट हो, आप पता कर सकते हैं। कैंट में भी परसों फ्राइडे को अभियान चला था, वहाँ भी पूरी जब्ती हुई थी, 151 लगा है और ये निरंतर चलता रहेगा। मैम G20 को देखते हुए पूरे बनारस को सजाया जा रहा है, दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, और इसी बनारस में G20 में जो आकृतियाँ
पत्तियां लगी थी, जो घास लगे थे, जो पौधे लगे थे, पानी के वजह से, नगर निगम के लापरवाही के वजह से सूख गए। आपको मेरे पास वीडियो है, साक्ष्य है, प्रमाण है, पब्लिक ने उसमें कॉपरेट नहीं किया गया, उनको समझाया भी गया कि कृपया इस घास को ऐसे मत करें, ये नए नए घास हैं, खराब हो जाएंगे, पानी भी निरंतर दिया जा रहा है, लगातार चलने से घास सूख भी गए हैं, पेड़ पौधे कट फट गए हैं, जो कलाकृतियां हैं उनके मुंह लोगों ने हटा दिए, बर्ड्स पे लोगों ने बैठ बैठ के तोड़ दिए हैं, इसके लिए उनको कोई पेनलाइज नहीं किया गया है, उसके लिए हम लोग पूरा प्रोटेक्शन कर रहे हैं कि बाकायदा बाउंड्री लगा दें। मैम आप कह रही हैं ठीक है, मान ले रहे हैं, ये बताइए कि जो जाली पे लगाया गया पौधा है गमले में छोटे छोटे, वो भी सूख गया है, वो बिल्कुल निरंतर डल रहा है, वो सब आपके ऑफिस के जस्ट बाहर जो गमला लगा है, ऑफिस के बाहर वाला पहले से प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, और जो G20 का DK कंस्ट्रक्शन है उनको बोल भी दिया गया है, वो उसको सही कर देंगे, क्रमिक रूप से पूरे शहर में जहाँ भी है सब सही हो रहा है। मैम बताइए कि आखिरकार ये गरीब हैं, इनके लिए वेंडिंग जोन निर्धारित है, आप समय समय पर आके हटा दे रही हैं लोग, मैं इस बात से कहीं भी मना नहीं कर रही हूँ कि ये लोग वेंडिंग ना करें, और हम लोग भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी नियमों के अनुपालन के क्रम में ही तो काम करते हैं, यदि नियमों के अनुपालन के क्रम में काम नहीं करेंगे तो पूरे शहर को ऐसे ही बेतरतीब छोड़ आपके जोन में जितने जगह अतिक्रमण रहेगा सब जगह हटाएंगे आप? बिल्कुल हटाएंगे, लेकिन अर्दली बाजार में जबरदस्त है, पक्का करा गया, वो भी हटाया गया और बार बार हटाया गया और हटाया जाएगा, बार बार लगा दे रहे हैं, तो मैम अगर लगा दिया जा रहा है दोबारा तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? रोकने के लिए ही तो ठेला उठ रहा है या 151 हो रहा है, जो बार बार नहीं मान रहे उन्हीं पे कार्रवाई हो रही, जो मान जा रहे हैं उन पे कोई कार्रवाई। पक्का निर्माण करवा दिए हैं उसका, वो कौन जिम्मेदार होगा? पक्के निर्माण के केस में VDA है, जिला प्रशासन और संयुक्त टीम बना करके जाँच होती है, वहाँ पे गिराया जाता है बाकायदा, उसका एक अलग नियम है, पक्के निर्माण के लिए एक अलग नियम है, जो इस तरह के अस्थायी अतिक्रमण उनका अलग नियम है, दोनों के नियम अलग है, उसी नियम के अनुरूप ही कार्य होता है। देखिए सहायक नगर आयुक्त मैं आपको बता दूं कि ये जो गरीब हैं रेडी पटरी वाले, इनका इस्तेमाल सिर्फ वोट के समय होता है, चुनाव में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, और यहाँ तक कि पार्टी जीत कर सत्ता में जब चली जाती है तो सब गरीबों को भूल जाती है, आज इनका रोजी रोटी कहीं ना कहीं आफत में है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से उठा के ले जा रहे हैं, और सहायक नगर आयुक्त ने बोला है, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि यहाँ पे कहा गया है कि G20 को देखते हुए इनके लिए वेंडिंग जोन बनाया गया, लेकिन ये वेंडिंग जोन में नहीं जा रहे, यहाँ पे लोगों पे भी आरोप लगा रहे हैं। हाँ बताइए क्या कर रहे हैं आप? अभी सर बताइए, हम लोग का ठेला यहाँ पे लगा हुआ था, चौकी इंचार्ज साहब ने आए और सबका ठेला जो कि खड़ा करके जितने लोग थे सबको उठा करके लेके चले गए थाने पे, और उनको कह रहे हैं कि अब जमानत कराना होगा, आपका ठेला जो है जब्त कराया जाएगा, जब तक ये G20 लगा हुआ है तब तक आपका कुछ सुनवाई नहीं होगा। ये बताइए कि यहाँ पे सहायक नगर आयुक्त मैम बता रही हैं कि आपके लिए वेंडिंग जोन निर्धारित है, आप वेंडिंग जोन क्यों नहीं जा रहे हैं? सर क्या करें, मजबूर हैं हम, मजबूर है सर, पेट के लिए सर, कहीं ले नहीं जा रहे हैं, कहीं जगह नहीं दे रहे हैं, क्या किया जाए बताइए। वेंडिंग जोन बना कहाँ है? नहीं बना है। आप एक मिनट आपने सुना है कि वो बोली वेंडिंग जोन बना है? कहाँ बना है बताइए, आपने विरोध किया? कहाँ बना है बताइए, बता तो रही है कि कई जगह बना है। अरे तो आपसे भी तो बोली है, कहाँ बना है? जेडीन होटल का और आगे लगाइए, वो तो बोल रही है जेडीन होटल का और आगे लगाइए, बोल रही है कि चौराहे से 100 मीटर ऊपर जाओ, पीछे जाओ, जैसा का बंगला है, किधर लगाए जेडीन है भी नहीं, वेंडिंग जोन वो है भी नहीं, वैसे भी बुला रहे हैं, वैसे सेंटर जेल के तरफ हमको भेज रहे हैं, सेंटर जेल पे आज मान लीजिए सन्नाटा है, दुकानदारी नहीं हो रहा, अगर मान लीजिए उधर भी अगर लगने लगा दुकान तो उधर से भी हम लोग को हटा दिया जाएगा, फिर मैं कहाँ जाऊँगा? वो तो कह रहे हैं कि नहीं हटाया जाएगा वेंडिंग, कहने पे मैं मान नहीं जाऊँगा ना, उनके कहने पे नहीं मानूंगा, उनका ये तो लिखित दे हमको, हमको लिखित दे वो कि यहाँ पे आप लगाइए या तो बेटी पड़ा हुआ है। मैम से ये कहा गया था कि सामने पड़ा हुआ है, इसमें अगर दुकान बना दिया जाए छोटी छोटी सबके बना दिया जाए, जो उसका चार्ज बना जाए अपना चार्ज ले और उसके बाद अपना सब उस दुकान लगाए। मैम बोली ठीक है बात पे बताते हैं, अभी तक कोई निर्णय उसका हुआ ही नहीं, महीना सब खाने पीना पीना मरेगा, बताइए ये ठेले पटरी वाले हमेशा भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, मार रहे हैं, बताइए वोट लेने के हैं तो सबको घर घर लेकर अपने बैठ जा रहे हैं घर में, और झेला पट्टी वाले मरे अपना बच के। किससे आपको सबसे ज्यादा समस्या किससे है? समस्या कोई से नहीं है, ये नगर योग वाला जब से आए तब से यार वार मार भगा रहे हैं, और राजू सर से ना समस्या है, काली दो लोग चौकी इंचार्ज साहब से कहते हैं ये आ जाओ अपने दोनों लोग से मना लीजिए, आप हम दुकान आपको लगवा देंगे, और चौकी इंचार्ज के ऊपर दबाव पड़ता है, चफंटों के ऊपर दबाव पड़ता है तो हमारे सबके ऊपर जाते हैं, तो हम सब लोग जो है कि अपना क्या करते हैं तो हम भागते हैं, अब भागने कब तक भागते रहेंगे हम सब लोग? आज 10 लोग के लिए भी गए
अब बेंडिंग जोन हमारा बना कहाँ है? हर जगह बेंडिंग जोन बना है, कचहरी पे किस जगह बेंडिंग जोन बना है? अगर कचहरी बेंडिंग जोन बना होता हमको बताइए, मैं बेंडिंग जोन में लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं नियम खालू नहीं जाना चाहता हूँ, जहाँ बता दीजिए हम अपना जीप क्या चलाए। हम लोग को जगह दीजिए, जगह दीजिए। अभी देखिए यहाँ पे लोग आरोप लगा रहे हैं कि वेंडिंग जोन बना है, कहाँ बना इन्हें पता नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे G20 को देखते हुए इनको हटाया जा रहा है। G20 के बाद इनको सब कुछ सौंप दिया जाएगा। आपका ठेला? हमारा ठेला है। सौंप दिया जाएगा आपको? सौंप दिया जाएगा। G20 बाद आपको दे दिया जाएगा? अरे G20 बाद दे दीजिए, हम अपना रोजगार लगाए कैसे, तब से जीप क्या चलाए, कब तक कहाँ लगाए, कहाँ लगाए हमको बताइए, कहाँ लगाए कैसे, कब तक बैठ गए, बच्चे का पढ़ाई करना है, फीस देना है, किताब लेना है, इस समय मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए? आप लोग कभी गए नहीं ऑफिस पे वेंडिंग जोन की मांग नहीं की है, धरना प्रदर्शन नहीं? मैंने वेंडिंग जोन लगा, जैसे यहाँ पर वेंडिंग जोन भारतीय स्टेट बैंक के लगे बना हुआ था, भारतीय स्टेट बैंक लगे जमे हुए, वहाँ से वेंडिंग जोन उखाड़ लिया गया। बताइए उखाड़ने के बाद दिए कहाँ हमको, कहाँ इसी जगह लगाइए हमको, कैसे कैसे हम आपका जीप क्या चला रहे हैं, कैसे कैसे आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उनको तो बच्चे अधिकारी हैं, उनको बच्चे हर जगह पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए, अच्छे अच्छे खाना चाहिए, हम सब फुटपाथ लोगों को किस लिए अपना कहाँ जीप क्या चलाएं? अभी यहाँ पे लोगों की नाराजगी बता रही कि नगर निगम के अधिकारी और सरकार इनके लिए कुछ काम नहीं कर रहा। इनका यहाँ पे आने के बाद पता चला है कि सहायक नगर आयुक्त बता रही हैं कि इनके लिए वेंडिंग जोन निर्धारित था, लेकिन अभी भी ये वहाँ पे नहीं जा रहे हैं।